ड्रॉप हो गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम एंड गुड इवनिंग कतर। वेरी गुड इवनिंग। कौन है हमारे साथ? मैं मोहम्मद फिरोज अली। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा। और इस वक्त हमारे साथ जो है लियाकत भाई और हमारे माजिद भाई हैदराबाद से अमरुल्ला दीवान अमजद इकबाल और मैं सब सारे बैठ के सुन रहे हैं और वकरा जाने की तैयारी में लगे हुए हैं मुशायरे में। जी जी। अच्छा जी। कोशिश तो यही है तो अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। सही सही। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ अच्छी बातों के साथ तो फिर कुछ कोशिश करूंगा शायद चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। जी 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 बिल्कुल हमें इंतजार रहता है आपकी कॉल का। जी बहुत शुक्रिया जी। और ये कह दें कि जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान है ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। सही बहुत सही यही बात। शुक्रिया जी। और खुशियां बांटने की कोशिश किया करो। नफरतें तो वैसे ही उरूझते हैं। क्या बात है बिल्कुल सही फरमाया। शुक्रिया जी। और ताल्लुक बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो। ताल्लुक खत्म करना हो तो सच्चाई बयान करना। सही। कोई आपसे मोहब्बत लेने आए तो उसे मोहब्बत देना। मोहब्बत सिखाने ना लग जाना। सही। मोहब्बत देने में मोहब्बत है मोहब्बत सिखाने में नहीं। बिल्कुल सही बहुत अच्छी बात बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये कुछ अच्छी बातें थी और उसके बाद से कोशिश करता हूँ कि शायद चेहरे पे मुस्कुराहट आए। तो ये जैसे आजकल की दौर चल रही मोबाइल के दौर उस हवाले से है कि एक वक्त था जब मोबाइल गिर जाता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी। सही। अब मोबाइल गिर जाए तो कलेजा बाहर आ जाता है। सही कहा। जान हो गई है मोबाइल। और जो है बेगम साहिबा चाहर से कह रही हैं कि तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो। शौहर ने कहा क्योंकि एक दिन किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से बनकर आती। भाई ये तो बगैर बीवियों को कहे ना और तो दिन नहीं पूरा होता ना ये बात है। और देखिए जे खाना खाने बैठे शौहर ने अपनी बेगम से पूछा ये सब्जी जो तुमने बनाई है इसका नाम क्या है। तो बेगम साहिबा कह रही कि क्यों पूछ रहे हो। शौहर मुझे भी तो ऊपर जाकर जवाब देना है जब वो पूछेंगे क्या खाकर मरे थे। ये बात है। और आखिर में है कि एक रात एक चोर। ये जबरदस्त। जी शुक्रिया जी। और आखिर में है कि एक रात एक चोर पप्पू के घर घुस गया जी। और पिस्तौल दिखाकर बोला बता सोना कहाँ है। पप्पू बोला अबे उल्लू इतनी सी बात के लिए पिस्तौल दिखाने की क्या जरूरत थी पूरा घर खाली पड़ा है जहां मर्जी सो जाओ। बहुत अच्छी आप बात है आपकी कॉल का इंतजार रहता है। जी शुक्रिया जी। मेरी कोशिश ये होती है कि आजकल के दौर में आपको पता है मुस्कुराहट और मुस्कान और हंसी जो है ये हो सब लोग यहाँ भी हम लोग भी हैं सब संजीदा रहते हैं ड्यूटी काम घर की टेंशन तो कॉल जो इस तरह की हो जाती है तो अच्छी बातें और मुस्कुराहट भी आ जाती हैं। और खास तौर से हमारे आफ्ताब साहिद भाई हैं अनवर भाई हैं ये लोग कहते हैं भाई आप आते एक दिन आफ्ताब साहिद भाई मुझे कॉल किए सामिया जी के प्रोग्राम में जब बात किया तो कह रहे आज मैं इतना टेंशन में था कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था ड्राइविंग भी नहीं अच्छा लग रहा था और जब आपकी कॉल सुनी है तो सुनने के बाद जो है ना बस एकदम दिल ताजा हो गया। सही बात है वाकई किसी को मुस्कुराहट देना किसी को हंसाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है और आप बहुत भी ये काम कर पाते हैं माशाल्लाह। नहीं वो असल में ये चीजें जो है ना कोशिश करने से होता है और ऐसा नहीं कि मुझे भी कोई टेंशन नहीं है टेंशन सभी को रहती है हर इंसान को रहता है। जी जी बिल्कुल। और वो जो एक बात है ना कि एक शौहर की तरफ से एक बहुत ही रोमांटिक अंदाज में तारीफ है शौहर की तरफ से बड़ी रोमांटिक अंदाज में तारीफ की गई है कि तेरी जुल्फों ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है।
तेरी जुल्फों ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है, कभी दाल में कभी सब्जी में कभी रोटी में कब्जा जमा रखा है। सही सही, यानी ये आप नहीं छोड़ेंगे ना बीवियों बीवियों जी, जी शुक्रिया जी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।